श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ रियल ब्राइडल मेकअप। सो मेरे चैनल पे ना बहुत ज्यादा आप लोग पसंद करते हो मेकअप की वीडियो, सो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा मेकअप की वीडियो शेयर करूँ। सो आज मैं अपने क्लाइंट पे आपको बताने वाली हूँ किस तरह से उनको मैं मेकओवर देने वाली हूँ। तो रियल ब्राइडल है, आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह से मैं ट्रीट करती हूँ रियल ब्राइडल को। एंड ये मेकअप समर के लिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा समर है। सो आप में से बहुत लोगों का कमेंट भी आता है, मैम आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बताओ, ऑयली स्किन के लिए मेकअप बताओ जो बहुत टाइम तक स्टे करे। एंड जरूरी नहीं है हर किसी का एसी हो, एंड जरूरी नहीं हर वेन्यू पे भी एसी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसा मेकअप अपने क्लाइंट को दूं कि बहुत देर भी हो जाए 18 to 20 आवर तो उनका मेकअप वैसा का वैसा ही रहे। सो अगर आप सीखना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया जो कि आपने इंट्रो में देखा है, सो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेक श्योर मेरी अदर वीडियो को चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स मेकओवर रिलेटेड वीडियो देती हूँ, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आपको पसंद आ जाएगा तो। एंड लास्ट में लाइक कर दीजिएगा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के आउटफिट को चेंज करना है। ब्लाउज हम पहले ही वेयर करवा देते हैं अपने क्लाइंट को या ब्राइडल को। नेक्स्ट हम क्लींजिंग करते हैं एंड टोनर कर देते हैं। देन मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करी गुड वाइब्स की रोजी फेशियल ऑयल एंड रोजी फेस क्रीम। मैं दो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, फेशियल ऑयल एंड इस तरह का लाइट वेट मॉइस्चराइजर। एंड टोनर के लिए मैंने यूज़ किया था गुड वाइब्स की रोज ग्लो टोनर। सो अच्छे से सीरियम हो चुका है क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट सबसे पहले हम आई मेकअप करते हैं अपने ब्राइडल का। मैं यूज़ करूँ निक्स की HD कंसीलर इन दी सी CW02। आपको लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करना है क्योंकि हम जो भी आई मेकअप करते हैं वो अच्छे से पॉप आउट होकर नज़र आता है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ। नेक्स्ट इसको सेट करेंगे हम। मैं यूज़ करूँ मेबलिन फिटमी की लूज पाउडर। बहुत ही लाइट हैंड से आपको कंसीलर को सेट कर लेना है ताकि ये क्रीज ना करे। नेक्स्ट आई मेकअप की ओर बढ़ते हैं। मैं यूज़ करी हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं ले रही हूँ हिना वाले शेड को जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। एंड ब्रशेज मैं यूज़ करी हूँ पैक आई स्क्वायर किट, ये ब्रश नंबर 02 है। सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंडिंग करना है। मेरे क्लाइंट को पिंक चाहिए था क्रीज पे, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप क्रीज देना, तो हमारे क्लाइंट जैसा बोलते हैं ना वैसा आपको आई मेकअप देना है। इन्होंने पहले ही मेरी मेकअप की वीडियोस यूट्यूब पे प्लस इंस्टाग्राम पे फोटो दिखी थी तो उनको उसी तरह का लुक चाहिए था। नेक्स्ट मैं ये वाला पिंक शेड ले रही हूँ, ये ब्रश नंबर 203 है पैक की। एंड एग्जैक्ट इसको मैं क्रीज पे बफ कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इनकी आईज़ अच्छी है, बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है, बट बहुत अच्छा आई मेकअप हुआ था। तो स्लोली स्लोली आपको कलर बिल्ड करना है। तो एग्जैक्ट पिंक शेड को ही मैं ले रही हूँ एंड बफ कर रही हूँ क्रीज पे एंड ब्लेंड कर रही हूँ। ले रही हूँ फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैंने डार्क पिंक कलर को लिया है एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। एंड एग्जैक्ट इसको भी मैं क्रीज पे दे रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। बेसिकली मैंने 3 कलर को यूज़ किया, आपने देखा होगा पहले ब्राउन, देन पिंक, देन उससे थोड़ा डार्क पिंक। एंड एग्जैक्ट मैंने क्रीज पे दिया है, मुझे क्रीज पिंक ही रखना था या कोरल रखना था इस वजह से। अगर आपको ब्राउन में देना है, ब्लैक में देना है, आप वो भी दे सकते हो, मेरे क्लाइंट को ब्लैक नहीं चाहिए था। नेक्स्ट मैंने क्लीन ब्रश ले लिया है, आप कोई सा भी क्लीन ब्रश ले लीजिएगा एंड सारे एजेस को ब्लेंड कर दीजिएगा ताकि जो भी हाथ लाइन नज़र आपको आ रही है वो ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये गोल्डन शेड को फ्लैग ब्रश की मदद से। आप फ्लैग ब्रश का ही इस्तेमाल करोगे एंड इसको एग्जैक्ट मैं दे रही हूँ सेंटर ऑफ द आईलिड पे। मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया है, ये आई मेकअप बिगनर्स के लिए बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है मैम आप इजी आई मेकअप बताओ जो हर कोई कर ले। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की लिक्विड आई शेडो इन दी शेड 064। बहुत ही अच्छा लिक्विड आई शेडो, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। एंड मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करें, मैं हमेशा आपको लिंक दे देती हूँ। तो इस तरह से मैंने जस्ट गोल्डन शेड के ऊपर इसको ओवरलैप किया है एंड आप देख सकते हो आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा पिंक कलर को लेना है। सेम मैंने ब्रश नंबर 203 ही लिया है, ये दोनों डार्क पिंक को मैं ले रही हूँ एंड इस तरह से आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि गोल्डन शेड एंड पिंक शेड के बीच कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। बस हमारा आई मेकअप यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आप चाहे तो जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो या फिर लिक्विड लाइनर। मैं यह जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की, एंड एक बेसिक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड मैं इसको स्मज कर दूंगी। आजकल स्मज लाइनर ही बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है एंड इस तरह के आई मेकअप ही आजकल चलते हैं। आजकल ना ब्राइडल सिंपल आई मेकअप रखती है, पहले बहुत चलता था डबल कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, बट अब आप जितना सिंपल दोगी ना इतना अच्छा लगता है। एंड मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया, उनको इसी टाइप का आई मेकअप चाहिए था। उन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखा था मेरी किसी ब्राइडल का, तो उन्होंने बोला था कि इस टाइप का ही उनको चाहिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक शेड को इसी पैलेट की मदद से हुरा ब्यूटी एंड स्मज कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्रश ले लीजिएगा, स्मॉल स्मजर ब्रश, एंड जो भी ब्रशेज मैंने यूज़ किए पैक कंपनी के है एंड जो मैंने पैलेट यूज़ किए है, दोनों को दोनों बहुत अच्छा एंड प्रोफेशनल है। नेक्स्ट फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करने से पहले आपको मस्करा यूज़ कर लेना चाहिए। मैं यूज़ करी मेबलिन की कॉलेशियल मस्करा जो कि वाटरप्रूफ है। अगर आपकी ब्राइड मतलब होता है ना थोड़ी इमोशनल भी हो जाएगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट फॉल्सेस के लिए मैं यूज़ करी अमेज़ॉन की फॉल्सेस, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। ग्लू मैंने यूज़ किए पैक के, मैं हमेशा पैक के ही ग्लू का यूज़ करती हूँ एंड ये लैसेज भी बहुत अच्छी। सो गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले लेट्स पर्पल पे चल रहा है समर एसेंशियल सेल, जिसमें आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा है। जैसे कि भी सनस्क्रीन, टोनर, हमें मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो कि समर के लिए एसेंशियल होता है, तो आप डेफिनेटली चेक करें लेट्स पर्पल। एंड आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो गेट 100 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो चलिए आई मेकअप कंप्लीट हो गया था, फेस मेकअप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी फॉलर था उसको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर इन दी शेड गोल्डन पिंक। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे मैम आप क्यों इल्यूमिनेटर यूज़ करते हो समर सीजन में, तो ये इल्यूमिनेटर ना बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके फेस को ना ऑयली बना देगा, क्रीजी बना देगा, ये बहुत लाइट वेट होता है एंड बहुत अच्छा ग्लो देता है आपके फेस को। एंड मेरी क्लाइंट की जो स्किन थी ना अभी बहुत ज़्यादा ड्राई थी, सो इस वजह से मैंने इल्यूमिनेटर का यूज़ किया। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। नेक्स्ट प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं पैक की प्राइमर जो कि बहुत ही मुझे आजकल पसंद आ रही है। ये प्राइमर बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपके फेस को क्रीजी नहीं करता है, फिर ऑयली नहीं करता, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की ऑरेंज कलर करेक्ट, ये ऑरेंज कलर में है। आप में से बहुत लोग ना इसको यूज़ नहीं करते हो, मैं आपको बोलूँगी आप जब भी ब्राइडल को रेडी करते हो ना आप कलर करेक्ट जरूर किया करो। अगर रेड पिंपल्स है तो आप ग्रीन का यूज़ कर लेना, अगर ब्लैक पिंपल्स है या पिगमेंटेशन है आप ऑरेंज का यूज़ कर लोगे, इससे जो भी पिगमेंटेशन होती है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है। एंड इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाते हो आपका फाउंडेशन बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आता है। इसको ब्लेंड आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हो, ब्रश की मदद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा। इसका शेड मुझे याद नहीं है बट इनके स्किन टोन से एक शेड लाइट है एंड ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है, मींस एक शेड थोड़ा डार्क हो जाता है एक घंटे के बाद। सो आप अपने क्लाइंट को एक शेड लाइट फाउंडेशन ही यूज़ कीजिएगा। एंड ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कंपनी की जो कि बहुत अच्छी है। सो अच्छे से आपको बफिंग मोशन में ब्लेंड करना है क्योंकि आपने कलर करेक्ट किया है, अगर आप इस तरह से रगड़ोगे ना तो दोनों मिक्स हो जाएगा। सो बहुत ही ध्यान से आपको करना है एंड नेक एंड ईयर के पास भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन डर्मा कलर पैलेट जो कि बहुत ही अच्छा कंसीलर पैलेट है। मैं यूज़ कर रही हूँ D4 शेड को एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर अंडर आई के नीचे ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड स्पून पे। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप जब भी अंडर आई के नीचे कंसीलर अप्लाई करते हो अपने क्लाइंट को बोलिएगा ऊपर की ओर देखने को एंड देन अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। क्रेलॉन की डर्मा पैलेट भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मैट होती है एंड समर सीजन के लिए तो परफेक्ट है। सुप्रा हम विंटर में यूज़ करते हैं एंड डर्मा हम समर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं सेम डर्मा पैलेट से ही ले रही हूँ DZ2 शेड को जो कि डार्क शेड है। मैं इसको एज ए कॉन्ट्रो
एज ए कॉन्ट्रोल शेड यूज़ कर रही हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, बट ये ना बिल्कुल भी क्रीमी नहीं है, पूरा का पूरा मैट है। सो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। सो कॉन्ट्रोलिंग करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनके जो फीचर्स थे ना थोड़े से ब्रॉड थे, एंड आप देख सकते हो उनको डबल चिन भी था इस वजह से। एंड जब भी आप चिन के पास करते हो कॉन्ट्रोलिंग, इस तरह से अपवर्ड ब्लेंड करोगे। जॉ लाइन पे कर लीजिएगा अगर आपके क्लाइंट को डबल चिन है, नोज पे कर लीजिएगा, एंड ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहता है। सो बहुत ही आराम से आपको ब्लेंडिंग करना है, हर कुछ आपको टाइम लेके करना है। इसके बाद फेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यूज़ करी मेलिन फिटमिंग की लूज पाउडर, समर सीजन में लूज पाउडर बनाना पाउडर का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एंड ये मेरी रियल क्लाइंट है। सो आपको जो भी मैं सिखा रही हूँ सब कुछ रियल है, ये मेरी रियल ब्राइड है। सो आप समझ सकते हो मैं आपसे रियल वर्क शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखे कुछ भी सीखते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बेसिकली मैं बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग का मतलब होता है 2 से 4 मिनट के लिए हमें लूज पाउडर या बनाना पाउडर को इस तरह से रखना होता है फेस पे, तब तक हम ब्रॉन्जिंग कर लेंगे। कॉन्ट्रोलिंग को मैं सेट कर रही हूँ ब्रॉन्जर से, ये वेट एंड वाइल्ड की ब्रॉन्जर है। मुझे कमेंट आया था प्रीवियस वीडियो में, मैम ब्रॉन्जिंग क्या होता है, ब्रॉन्जिंग हम पाउडर प्रोडक्ट से करते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की पैलेट, उसमें से मैं इन 3 शेड को ले रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, ब्राउन एंड डार्क पिंक एंड लाइट पिंक। सो कोई सा भी स्मजर ब्रश एंड स्मॉल ब्रश ले लीजिएगा, एंड इस तरह से आप लोअर लैश लाइन पे लगा दीजिएगा। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की ब्लश पैलेट, बहुत ही अच्छा वाला ब्लश पैलेट है, बहुत पिगमेंटेड भी है एंड ना फेड नहीं होता है। बहुत ऐसे ब्लश होते हैं जो ना तुरंत गायब हो जाते हैं, ये ब्लश बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है, मुझे बहुत पसंद है, अफोर्डेबल भी है। जो भी आपने बनाना पाउडर को रखा था या लूज पाउडर को रखा था उसको आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट मैं नोज़ को कॉन्ट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड को। आई शेडो पैलेट में से ही मैंने ब्राउन कलर को ले लिया था, एंड मैंने थोड़ी हार्श कॉन्ट्रोलिंग की है नोज़ पे, या फिर आप ब्रॉन्जिंग बोल सकते हो, क्योंकि इनकी नोज़ थोड़ी सी फैटी थी। अगर आपके क्लाइंट की नोज़ थोड़ी फैटी है तो आप इस तरह से स्लिम दिखाने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट ना मैंने लूज पाउडर को थोड़ा सा लगा दिया था साइड में इस तरह से, एंड जहाँ बिंदी लगा दी ना वहाँ पे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर के आईब्रो किट आईब्रो को फिल करने के लिए, एंड मेरे क्लाइंट को ना ज़्यादा मोटी आईब्रो नहीं पसंद है। मैंने इनका फेशियल भी किया था, आईब्रो भी ग्रूम किया था, तो तभी इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे मोटा आईब्रो नहीं पसंद है, तो आप फिल भी ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा, इसलिए मैंने बहुत ही पतला आईब्रो को फिल किया। स्पूली की मदद से कॉम भी कर दीजिएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की काजल, ये ब्लैक कलर है एंड मैंने ब्लैक काजल ही आज यूज़ किया। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबली मास्टर क्रोम एंड वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, मैंने दोनों का यूज़ किया है, दोनों हाइलाइटर बहुत अच्छा होता है, किसी हाई ब्रांड से कम नहीं है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा कि मैम आपने कितना प्राइस लिया इस मेकअप का, सो इस मेकअप का आप 7000 या 8000 ले सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की सेटिंग स्प्रे फेस को सेट करने के लिए। सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आई क्लोज करके भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी आप करोगे तो कहीं आपका आई मेकअप नहीं जाएगा। लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर, तो मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर पहले यूज़ किया बट वो इतना पिगमेंटेड नहीं है, तो मैंने फेसेस की लिप क्रियॉन ली है, बहुत ही अच्छा वाला लिप क्रियॉन है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है, तो इसी की मदद से मैंने लिप को अच्छे से फिल कर दिया। एंड इसके बाद मैंने लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया है स्टे कुर्की की इन दी से ZF गोल, एंड जो भी लिपस्टिक अप्लाई करते वक्त आपसे गलती होती है आप कंसीलर से ठीक कर लीजिएगा। मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ही लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट मैंने बोला था ना मुझे नोज़ कॉन्ट्रोलिंग थोड़ी सी हार्श नज़र आ रही थी, तो मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपको भी थोड़ा लगता है ना हार्श आपसे कुछ हो गया है तो आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर ले लीजिएगा एंड इस तरह से ब्लेंड कर दीजिएगा, एंड आप देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। इसके बाद हेयर स्टाइल बनाया जाता है, आप पहले ही ज्वेलरी वेयर करवा देना क्लाइंट को, देन आप क्रिम्पिंग कर देना, देन हेयर स्टाइल डन हो गया इनका, दुपट्टा रैपिंग भी हो चुका है इनका, जो भी एक्सेसरीज आपके क्लाइंट लाते हैं सब कुछ आपको वेयर करवा देना है। इसके बाद हम एक और दुपट्टा यूज़ करते हैं, इनका डबल दुपट्टा था तो एक शर्ट पे हम दुपट्टा देते हैं। मैंने आपको दोनों तरह से दिखा दिया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मुझे कमेंट करके बताइए मेरी ब्राइड आपको कैसी लग रही है, एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है, एंड जो भी है मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना। मैं कोशिश करती हूँ हर किसी के रिप्लाई दे दूँ बट पॉसिबल नहीं है हर किसी को दूँ। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लोगों से मैं, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड हाँ गाइज़ याद रखिएगा लव यू ऑल।